कैसे हो भाई? ठीक हो जी? ठीक। ये आपकी शॉप है? जी 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 शॉप। तो आपको बताइए आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो? यार मिल ही रहे हैं फ्री शॉपर नहीं मिल, ये हमें मिलते हैं तो हम लेते हैं ना, ये बेसिकल आप बंद उधर से करते ही नहीं हैं तो ये दुकानदार बेचारे कसूर बनाते हैं। पहले तो ये है कि आप बंद करें जहाँ से आ रहे हैं, सही कह रहे हैं, वहाँ से हो नहीं रहे, ये हमारे गरीब दुकानदार हैं, हमें तो वो चीज़ सस्ती मिलेगी हमने वो लेनी है, बिल्कुल हमारे लिए तो ये है, हमें नहीं मिलेगी तो हम मजबूरन फिर कोई और चीज़ करेंगे, इसका मुतबादल लेंगे। सबसे पहले यही है कि आप बंद करें, फैक्ट्री बंद करें, वो नहीं बंद हो सकती इस वजह से कि वो बड़े बड़े सरमायाकार हैं, उन्होंने पैसा देना होता है, वो ज़िंदगी में पाकिस्तान में ये चीज़ कभी नहीं, ये छोटे दुकानदारों को पकड़ेंगे जो कि ये कर रहे हैं, लेकिन मेन कभी बंद नहीं होगा। अब ये इन पे है कि ये बंद करें, पैसे खाते जब जहाँ तक, हाँ ऊपर वालों से पैसे, ऊपर वाले पैसे खाते हैं, ये जाते नहीं है, वहाँ नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे, यहाँ जाएंगे यार जुर्माना करते छोटे दुकानदार, दुकानदार पे हमारे तक जब चीज़ पहुँचेगी नहीं ना तो हम कैसे यूज करें? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि चीज़ पहुँचती है, पहुँचती है तो हम लेना, ये मिल रही है हमें तो हम ले रहे हैं, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, नहीं ये इधर आएंगे, ये मेरा मौका, ये इधर आए और इधर ये हमारी दुकान को कुछ ना कुछ जुर्माना करेंगे, ये कर देंगे ताकि ये जो रोजी चल रही है बंद हो जाए। ये आपका मौका आ गया, मेरा ये मौका है, आप मेरे को सवाल है उसका जवाब दे दें, मैं दूंगा। ये शॉपर आपको भाई पर दिखाइएगा, इस पर आप लिख रहे हैं, ये पर दूसरा देते हैं। ये जो शॉपर है जो आपने कहा कि हमारे तक पहुंचता है, मुफ्त पहुंचता है? नहीं नहीं पैसे लगे, नहीं मुझे लगता है शायद फ्री हो, नहीं नहीं ये है कि भाई सवाल देखिए, अब मेरी बात अफोर्डेबल, अफोर्डेबल हमने वो चीज़ें जो हमारे पैसे बचते हैं जी, क्या पैसे किसी की जिंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? नहीं 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 ये बिल्कुल, और ये आप पैसे देके खरीदते हैं? ये पैसे दे, तो वो जो सरकार कहती है मोटे वाला वो भी पैसे देके मिल जाता है? हाँ मिलता है, वो ज़रा ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, हाँ ये, और उससे किसी की ज़िंदगी भी बच सकती है, बच सकती है। आपको पता है इसके अंदर गर्म चीज़ नहीं डालनी चाहिए? जी ठीक है, पता है जी बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ ये भाई सारे ये भाई पैसे खाते होंगे, इनके पर जलते होंगे, सब आपका मौका मैंने सुन लिया और सुना भी दिया, ठीक है ऐसे ही किया। अब मेरे आपसे सवाल आते हैं कि आपको ये भी पता है कि ये जहर है, आपको ये भी है कि आप पैसे दे के खरीदते हैं, मुफ्त भी नहीं मिलते और फिर भी आप इस्तेमाल करेंगे, मतलब हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभानी है ना, ऐसे ही है ना, बतौर कौम हमारी ये आदत है, ऐसे ये बिल्कुल ठीक है भाई, वो जो ऊपर है वो गलत है, ऐसे ही है बिल्कुल, हम गलत नहीं हो सकते, ये भी बात है ना, गलत नहीं, हम भी गलत हैं, लेकिन ये है कि मजबूरी सिचुएशन ही है, लेकिन देखिए कैसी मजबूरी भाई, मजबूरी ये है कि ना, कस्टमर है, मेरी बात सुने, आपका जो कस्टमर है कितने की प्लेट बेचते हैं आप? ये मैं 250 की प्लेट बेचता हूँ, ठीक हो गया, अगर मैं 260 करूँगा ना मेरे पास किसी ने आना ही नहीं, 260 आएगा नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, नहीं नहीं ये तजर्बा है, ये आपका, ये आप मेरी मेरी बात सुन ले, ये मैं ऊपर से आके उसकी बात करूँ यार ये काम ये ठीक नहीं कर रहा, ये मुझे पता ही नहीं उस चीज़ का, मैं किस तरह कह सकता हूँ कि वो ठीक है, आप आपकी ये फील्ड नहीं, मेरी फील्ड है तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरी बात सुन, ये हम बोतलें लेते हैं ना तो हमारी बोतलों का रेट वही है, और ये अभी नया रेट आया ना तो 50 रुपये बढ़े हुए थे, और अब ये बताएं कि हम क्या करें, अगर हम रेट बढ़ाएंगे तो लोगों ने यार हमारे लिए क्या करें, पीछे से कंट्रोल ही नहीं हो रहा, ये चीज़ें अगर हमें ये शॉपर सस्ता मिले, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आगे मानी, किसी की ज़िंदगी से इंपॉर्टेंट तो नहीं, नहीं है बिल्कुल नहीं है, तो फिर ये बहस कैसी मेरे भाई? देखिए कोई तो होगा ना आपका जो पक्का कस्टमर होगा जिसको आपका टेस्ट बड़ा पसंद होगा, होंगे ऐसे लोग जी बिल्कुल, कितने साल से यहाँ काम, ये आपकी दुकान से 9 साल हो गए, 9 साल से, 9 साल में ऐसे कस्टमर तो होंगे जिनको भाई आप पे ही खाना पसंद आता होगा, वो आपके पास ही आते होंगे, आपने 100 रुपये से शुरू की होगी, 250 तक पहुँच गए, वो ले रहे हैं 250 की, ले रहे हैं तो 260 पे नहीं लेंगे क्या, 265 पे नहीं लेंगे, ये बेसिकली 255 पे नहीं लेंगे, लेंगे लेंगे भाई, यही मेरा सवाल, मेरा भी ये है कि मैं ये कह रहा हूँ मैं किधर से लाऊं, अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब मुझे मिलेंगे नहीं तो मैं किधर से, ये तो इनकी जिम्मेदारी, जनरल जो शॉप्स आप जाएंगे ना आपको वहाँ पे ये शॉपर नहीं मिलेगा, आपको ये शॉपर मिलेगा, ये तो इनकी जिम्मेदारी है अली भाई की, ये आपको शॉपर प्रोवाइड करे, ठीक है, ये जी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ठीक है, मैकेनिज्म बनाए, आप शॉप्स पर जाएं वहाँ पे आप चेक करें कि ये शॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और अगर नहीं मिल रहा तो आप ये वहाँ पे करें, जब आप दे हमें मिलेगा नहीं वो शॉपर, आप उनका भी सुन लेना, अच्छा इसमें इस तरह है कि शॉपिंग बैग तो स्मगल होके भी आता है यार, वो मिल तो जाएगा आपको अगर आपने लेना ही है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ना लें, इसीलिए हम आपको बंद भी कर रहे हैं, आपको इसलिए वार्न करने आए हैं ताकि आप ना लें, उन पर तो इंडस्ट्रीज पर तो एक्शन कर रहे हैं, आपकी जगह एक सवाल कर लूँ, आपका मसाला ख़त्म हो जाता है
बिरयानी बना रहे हैं ना, चावल नहीं मिलते, वो शॉर्ट हो जाता है, जिससे आप ले रहे हैं वो नहीं है उसके पास। मसाला जात जो आप मेरे भाई लेना चाह रहे हैं वो अभी भी अकबरी मंडी में हड़ताल चल रही है, आप नहीं मिलता आपको। ठीक है, तो क्या आपको कोई ला के देता है, सरकार ला के देती है कि भाई ये चावल ले लो बना लो, ये मसाला ले लो अपनी बिरयानी में डालो? भाई सुन ले तो सही यार, आप मौका आप चेंज कर रहे हैं, मेरी बात सुन, आप चेंज कर रहे हैं, दो चीज़ों को मिक्स नहीं करना। ठीक है, मसाला जात जब हुकूमत ये चीज़ कर रही है तो प्रॉपर करे ना, ये कि नहीं है कि एक बंदे पे डाल दिया हमने, ये नोटिफिकेशन जारी करने से कुछ नहीं होता, नोटिफिकेशन ये चीज़ बंद हो गई है और हम घर जाके सो गए। मिलते हैं जी, ये शॉपर मिलते नहीं है, कौन से बड़े इजीली अवेलेबल हैं? इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपने इग्नोर किया है कि ये चीज़ बंद क्यों नहीं हो रही, मेरे पास पहुँची क्यों है, ये बताएं कहाँ से? वो तो मैंने इनसे किया भाई सवाल, यही है सबसे मेन क्वेश्चन, यही ये है मैंने किया, मेरे तक पहुंचना ही नहीं चाहिए, सबसे बड़ी कार्रवाई ये है, आपने नहीं चाहिए, लेकिन हमने लेना ही लेना है यार, मेरे तक पहुंच, मेरे पास पहुंचना तो मैंने लेना है यार, जब वो मुझे जबरदस्ती ये देता है और साथ में पैसे भी देता है और मेरी दुकान का खर्चा भी उठाता है, मेरी दुकान का किराया भी वही देता है, तो इसलिए मैं ये शॉपर यूज करता हूँ। अगर ये सब है तो भाई आपको करना चाहिए, मेरी बात सुन ले, मैं यही कह रहा हूँ, अगर यहाँ का बिजली का बिल भी ये शॉपर बनाने वाला देता है, यहाँ का किराया भी शॉपर बनाने वाला देता है, आपको सारे पैसे भी वो, तो आपको करना चाहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ यार। अगर बात की जाए तो यही है कि अगर ये चीज़ें कंट्रोल करने, हमने तो ये जो हमारे कह रहा हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ यार, ये अगर ये शॉपर हमारे साथ खड़े हैं ना, इन चीज़ों के साथ खड़े हैं, तो ऐसा करें या तो हमें आग लगा दें, काम तो है ही नहीं, ताजर कहाँ जाएँ, 80,000 रेंट है, आप इधर बैठ जाएँ और सेल सारी इकट्ठी कर लेना, इनका काम है, हमें कर दें, हमारा काम ही नहीं इतना शॉपर का, ज़्यादा से ज़्यादा शॉपर बिकेंगे हम वो निकाल देते हैं, नोटिस करें। तो फिर अच्छी बात है ना, अगर आपके 10 शॉपर बिकते हैं तो आप अच्छे वाला शॉपर, दूसरे जो फाइबर वाले यूज़ करते हैं, हमें आज का मौका तो देना, अभी ये बंद होगी ना, ये 3 दिन तो ये आगे वैसे ही नहीं, ये होगा आज जुमे को करने आ गए ना, 3 दिन जाएंगे नहीं, 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 ऐसे बंद नहीं होगी, ये ऐसे बंद नहीं होगी, ये अभी आधे घंटे में खुल जाएगी, तो ये तो आपको भाई समझा रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, हम तो लड़ रहे हैं, आप हम तो मैं कह रहा हूँ कि अभी इसी टाइम हम शॉपर उठा देते हैं, अगर नेक्स्ट टाइम कोई बंदा भी जब मर्जी आगे चेक करे शॉपर नहीं मिलेगा, हम तो ये करना चाह रहे हैं, पहले हमें नहीं पता था। क्या नाम है आपका? सफदर अली। आप भी यही होते हैं? मैं इसका बेसिक हूँ। आप हैं बेसिक वाले, तो आप पहले साइड पे क्यों रहे? मैं है इधर होता नहीं ना। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, देखें इसका प्रोसीजर ये है कि एक प्रोसीजर तो फॉलो होना है ना, एक प्रोसीजर है, आपको कोई जुर्माना नहीं हो रहा, कोई जुर्माना हो रहा है जी? नहीं, अभी नहीं, कोई जुर्माना नहीं हो रहा, सिर्फ अवेयरनेस दी जा रही है ताकि बाकियों को भी पता लगे कि भाई ठीक है कर दें कोई जिस तरह ये आगे चले। ये जज्बाती मनाजर तो देखने में मिलते हैं जिसका कारोबार बंद हो रहा होता है, लेकिन वही प्रॉब्लम है जो मैं अक्सर प्रोग्राम्स में कह रहा था कि हमने दूसरे पे तंकीद करनी है, दूसरे को ज़िम्मेदार ठहराना है, खुद अपने आप को तब्दील नहीं करना। हम ये कहते हैं कि शॉपर हमारे तक पहुँचा क्यों, क्या ये शॉपर मुफ्त पहुँचता है हमारे पास, क्या ये शॉपर बनाने वाला हमारी दुकान का खर्चा उठाता है, क्या शॉपर बनाने वाला हमारा बिजली का बिल अदा करता है? अगर तो ये सब कुछ होता है तो फिर ठीक है, इनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, मुश्किल बहुत ज़्यादा है, बच्चों की रोज़ी कमाना बहुत मुश्किल है, तो फिर इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। लेकिन जब ऐसा नहीं है, जब ये पैसे से ख़रीदना है, अपना पैसा लगाना है, अपना पैसा कमाना है, खुद बिल अदा करने हैं, तो जो आपका ग्राहक आ रहा है उसको जहर क्यों देना है? क्योंकि जब इस शॉपर में गर्म चीज़ गर्म फूड आइटम्स डाले जाते हैं तो वो कैंसर की बुनियाद बनते हैं। खुदारा इस माहौल को महफूज